तो दोस्तों आ चुके हैं पठान के डे नंबर 25 के कलेक्शन, और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था सैटरडे को, इस फिल्म ने बहुत बड़ा जम देखा है। आपको बिना टाइम वेस्ट के बता देता हूँ। अब देखिए, ये तो हम सबको बताया है कि YRF ने बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मारा है, जो कि उसने पठान डे फ्राइडे को ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद सैटरडे और संडे को ऑल ओवर इंडिया, अगर मैं नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस की बात करूँ, यानी PVR, सिनेपोलिस और आईनॉक्स में, तो 200 रुपये फ्लैट टिकट है। तो इससे क्या हुआ है कि पठान के जो कलेक्शन जो आप देख रहे थे वीकडे पे थोड़े कम हो गए थे, उसने फिर से एक राइज देख ली है। और कल के जो सैटरडे के कलेक्शन आए हैं वो आए हैं 3.25 करोड़ के। अब आप सोच रहे होंगे 3.25 करोड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो मैं बता दूँ किस तरीके से ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटमैन क्वांटमेनिया रिलीज हुई है और शहजादा रिलीज हुई है, तो इसी के साथ पठान की स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है दोस्तों। बट फिर भी अगर ये फिल्म अपने 25वें दिन पर 3.25 करोड़ कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ जो हिंदी टोटल हो चुका है इसका, वो हो चुका है 493.60 करोड़। जी हाँ, ये मैं सिर्फ हिंदी टोटल की बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर मैं तमिल और तेलुगु की बात करूँ तो वहां पे इसने कमाए हैं कल 7 लाख। मैं जानता हूँ कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमको पता है कि वहां पे उतनी बड़ी रिलीज ही नहीं मिली है इसको। और इसी के साथ वहां का जो टोटल हो चुका है, यानी तमिल और तेलुगु का 25 दिन का टोटल, वो हो चुका है 17.82 करोड़। और अगर मैं ऑल इंडिया टोटल की बात करूँ, यानी हिंदी तमिल और तेलुगु को तीनों को क्लब कर दूं, तो टोटल हो चुका है 511.42 करोड़। दोस्तों ये जो नंबर्स हैं वो इतने कमाल के हैं कि मुझे नहीं लगता है बहुत जल्दी कोई फिल्म इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि समवंस लॉस इज ऑलवेज समवंस गेन। तो आप जानते हैं शहजादा के जो कलेक्शन है बहुत ज्यादा पुअर आ रहे हैं, और इसने डायरेक्टली पठान के कलेक्शन को इफेक्ट किया है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं शहजादा जो है वो अल्लू अर्जुन सर की फिल्म का रीमेक है, तो उस वजह से ऑलरेडी जो उस फिल्म से एक्सपेक्टेशन थी लोग भी बहुत लो हो गई थी। लोग आजकल आप जानते हैं रीमेक बहुत ज्यादा देखना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से बहुत ज्यादा नंबर्स में लोग पहले दिन ही नहीं गए। उसके बाद जो पब्लिक वर्ड ऑफ माउथ आया वो भी ज्यादा अच्छा नहीं आया, तो उससे क्या हुआ है पठान के जो कलेक्शन है वो राइज कर गए हैं और शहजादा के कलेक्शन दिन पे दिन गिरते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शहजादा एक ऐसी फिल्म है जिसने अपने वीकेंड पे भी राइज नहीं देखा है। उसी के साथ आप जानते हैं इसके साथ एंटमैन क्वांटमेनिया भी रिलीज हुई थी, बट हुआ क्या है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितने भी सुपर हीरोज हैं उसमें एंटमैन का नाम कहीं ना कहीं उतने फेवरेट सुपर हीरोज में नहीं आता है। आप जानते हैं स्पाइडरमैन है, आयरन मैन है, या फिर कैप्टन अमेरिका है, थॉर है, ये सब कहीं ना कहीं मोर बिलवड सुपर हीरोज हैं। और जैसे मैंने कहा एंटमैन का नाम थोड़ा बाद में आता है, इस वजह से एंटमैन को भी बहुत ज्यादा बड़ी ओपनिंग नहीं लगी है, और यही रीजन है कि लोग फिर से तीसरी चौथी बार पठान देखने जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप BMS पे भी देखेंगे तो आप भी जो थिएटर्स फुल दिख रहे हो पठान के ही दिख रहे हैं। और इससे एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है अब कि हिंदी में भी ये डेफिनेटली 500 करोड़ करेगी। हाँ, जैसे कि मैंने कहा अब ये नंबर्स कम कर रही है, उसकी दो वजह हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रीन भी कम हो गई हैं और टिकट रेट बहुत ज़्यादा कट डाउन कर दिए गए हैं। जहाँ 300 साढ़े 300 कई बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस चार्ज करते थे, वहीं अब सिर्फ 200 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कलेक्शंस कम तो देखने को मिल रहे हैं। पर फिर भी ये फिल्म कवर कर जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, फिर से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फैलता जा रहा है, और अब देखने में ये लग रहा है कि ये धीरे धीरे ही 500 करोड़ भी कर लेगी और बाहुबली का लाइफ टाइम कलेक्शन भी चैलेंज कर देगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बता दूं, बाहुबली का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था, ये मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं, वो था 511 करोड़ का। वो फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था। तो अब देखने में ऐसा लग रहा है कि पठान तोड़ देगी। हाँ, इतना तो कह सकता हूँ बहुत करीब ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पठान 600-700 करोड़ करने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसका रन भी एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन अब देखने में लग रहा है कि उसका रिकॉर्ड बहुत आसानी से तोड़ देगी। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या आपको लगता है पठान जो है वो बाहुबली द कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी। उसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा रंजन को दीजिए इजाजत।